नमस्कार, टी 12 न्यूज़ देख रहे हैं। मेरा नाम सौरभ सविता है। रायबरेली में हमारी मौजूदगी है। रायबरेली में लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछेंगे कि रायबरेली से कौन जीत रहा है, राहुल गांधी या फिर दिनेश प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? राहुल गांधी या दिनेश प्रताप सिंह कौन जीत रहा है? राहुल गांधी जीत रहे हैं, वो भी 4.5 लाख वोटों से। दिनेश प्रताप सिंह हार जाएंगे, जमानत नहीं बच पाएगी उनकी। आपको क्या लगता है दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी? हमको नहीं मालूम है, नहीं बताएंगे। आपको क्या लगता है भैया? दिनेश गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, दिनेश प्रताप सिंह पक्का, उनकी उम्मीद। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी, दिनेश प्रताप सिंह कतई मौका नहीं। एक ही सवाल पूछेंगे लोगों से, समझेंगे कि कौन जीत रहा है, राहुल गांधी या दिनेश प्रताप सिंह। कोशिश करते हैं लोगों से, एक सूच की दुकान है, यहाँ पे लोगों से बात करते हैं। दादा, कौन जीत रहा, राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह? मैं राहुल के अलावा कोई है ही नहीं, नहीं को है उसके। राहुल गांधी जीत, बिल्कुल। प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी, 100% हम लोग वोट देंगे उसे। मोदी जी की गारंटी? कोई गारंटी नहीं। आपको क्या लगता है दादा, यूथ हैं आप, राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह? दादा जो है यहाँ पे वही रहेंगे, दूसरा राहुल गांधी बदलाव नहीं होगा। आपको क्या लगता है दादा, दिनेश प्रताप सिंह राहुल? नहीं भैया, राहुल, राहुल ही आएंगे, राहुल दिनेश नहीं आएंगे। गारंटी नहीं, काम गारंटी भाई, दादा अरे सब बेकार है। मोदी कोई गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी नहीं है, नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब बेकार कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने तो प्रधानमंत्री, गारंटी मंगलसूत्र से लेकर पता नहीं कितनी योजनाएं वो गिना रहे हैं। होएंगे क्या, करना है हमको, आज तक तो कुछ नहीं मिला, फायदा फायदा नहीं मिला। मुद्दा राहुल गांधी जीत रहे हैं, बिल्कुल 100%। और कोशिश करते हैं लोगों से बात करने, क्या लग रहा राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह? राहुल भाई जीतेंगे, राहुल जीतेंगे। दिनेश प्रताप सिंह का मौका लगेगा नहीं? चलिए, और कुछ लोगों से पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, रायबरेली गलियों में घूम रहे हैं कि रायबरेली से कौन जीत रहा है चुनाव। दादा, क्या लग रहा है आपकी बार, राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह? राहुल गांधी का लग रहा है आपकी तो? राहुल गांधी, हाँ। दिनेश प्रताप सिंह मुश्किल लग रहा है आपकी तो? नहीं जीतेंगे, मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी अब। और कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की, रायबरेली गलियों में। दादा, क्या लग रहा है चुनाव, राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह? राम राम, देखा किसका अच्छा लगा आपको, नहीं बोलेंगे। क्या लग रहा दादा, दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी? भाई यहाँ मुक्त लोग तो कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस को देंगे जी। राहुल गांधी जीतेंगे जी, दिनेश प्रताप सिंह नहीं जीतेंगे जी? नहीं। और कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की, क्या लग रहा है दादा, राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह? हमको कुछ आता ही नहीं, तो कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी इंशाल्लाह, कांग्रेस, कांग्रेस जीतेगी। और भैया युवा, क्या लग रहा है भैया, राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह में कौन जीत रहा है? भैया वोट ही नहीं है, क्या करें? अभी वोट ही नहीं, आपका 18 साल उम्र नहीं हुई अभी, नहीं अभी, अभी दूध पी रहे ना, बनवाया ही नहीं, या वोट डालना ही नहीं चाहते? यहाँ के निवासी नहीं है ना, हम बाहर के हैं। कहाँ के हैं? अरे अब ये नहीं बताएंगे आप, नहीं बताएंगे। आपको क्या लगता है भाई, हमको कुछ नहीं लगा था। नहीं, बाहर के नहीं, बाहर के नहीं ना, यहीं गए। कांग्रेस या राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह में कैसा माहौल देखते हैं? ये कौन है? दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट। भाई चिंतन नहीं ना भाई, तो यहाँ से कौन जीतेगा, राहुल गांधी जीतेंगे? पिल्लू भाई तुम बताओ, नहीं हम मार खा भाई, काम करी गली गली। दादा ने तो बता दिया, और कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की कि कौन जीत रहा। रायबरेली में गारमेंट शॉप के अंदर है, यहाँ पूछते हैं लोगों से कि कौन जीत रहा, राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह, कांग्रेस या भाजपा? अरे भैया यहाँ सुराज बिल्ली जीतेगी, राहुल गांधी जीतेंगे जी। दिनेश प्रताप सिंह का कुछ माहौल है कि नहीं? अरे माहौल है, पुनः पुनः माहौल है, लोगों को क्या बताया जाएगा। राहुल को वोट देंगे कि दिनेश को? मतलब अब तो बता नहीं सकते, लेकिन नहीं ये तो पर्सनल है, इससे क्या मतलब, किसे जीतना चाहिए? अब उम्मीद जैसा भी ऊपर जैसा भी हो जाए। आपको क्या लगता है भैया, यूथ हैं, राहुल गांधी या दिनेश प्रताप सिंह? राहुल गांधी भैया, राहुल गांधी जीतेंगे। दिनेश प्रताप नहीं? दादा आपको क्या लगता है? बड़ी अच्छी ले रही, ले ली आपने, कलर अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। यहाँ तो राहुल भैया है, राहुल गांधी जीतेंगे। दिनेश प्रताप सिंह का कुछ माहौल दिखता है, मिक्सअप है? नहीं। आपको क्या लगता है दादा, कस्टमर आते होंगे, कैसा माहौल देखते हैं राहुल गांधी दिनेश प्रताप? भैया यहाँ पर कांग्रेस ही जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस 100% हो जाए? नहीं ऐसा नहीं होगा, कांग्रेस जीतेगी। चलिए, कुछ दुकानों में घूम रहे हैं भैया, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, नतीजे चार फंसा है, मामला फंसा है, कोई भी जीत सकता है, अब 4 जून को पता लगेगा, उसके पहले आप बताएंगे दादा कुछ? कुछ वोट नहीं बना आपका? चलिए, और कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की, कुछ लोगों को वोट नहीं बना है, मैं समझ में नहीं आ रहा, उम्र हो गई 18 साल लेकिन वोट नहीं बना, क्यों नहीं बनवाया, बनवाना चाहिए, सबको वोट डालना चाहिए। क्या लग रहा है दादा चुनाव में, बताएंगे कुछ आपकी बात, राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह क्या कौन जीतेगा यहाँ से? क्या बताऊँ मैं, कांग्रेस या भाजपा, किसने बेहतर काम किया, किसे जीतना चाहिए रायबरेली? मैं सही बताऊं, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, रहते नहीं है, काम तो देखते ही होंगे, किसका बेहतर काम लगा? हमारे हिसाब से भाजपा ही जीतेगी, भाजपा जीतेगी, प्रताप सिंह जीतेंगे। आपको क्या लगता है, कांग्रेस भाजपा, भाजपा जीतेगी, प्रताप सिंह जी, राहुल गांधी आ रहे हैं?
बिल्कुल 100%। क्या मुद्दा जो राहुल गांधी चुनाव उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं यहाँ पर उनका, उनके पास नहीं। क्या उन्होंने किया, काम नहीं किया उन्होंने भाई, यहाँ के है ही नहीं। हम मीटिंग देख के क्या किया, बिहार गए तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ऐसा है ना, घाट लगा उनको बिहार रहे तो यहाँ पे आके दूसरा। बड़ी बात है कि कभी तो यहाँ आना आए नहीं और चुनाव एकदम से लड़ना है, हमारा चुनाव बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और अपने अपने दावे हैं लोगों के और कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की। दादा क्या लग रहा है चुनाव में राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह कौन जीत रहे हैं, किसने बेहतर काम किया रायबरेली में? रायबरेली में तो सब कांग्रेस है पहले काम किए। आपकी कौन जीतेगा, राहुल जीतेंगे क्या? हाँ उम्मीद तो है जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है राहुल या दिनेश में? भैया राहुल जी ही जीतेंगे क्योंकि हमेशा से कांग्रेस ने ही रायबरेली में काम किया है, दिनेश नहीं जीतेंगे। अब ये देखते कौन नहीं जीतेगा, लेकिन जो जिनके उम्मीद पाई जा रहे हैं वो राहुल गांधी। आपको क्या लगता है दादा, दादा आपको क्या लगता है राहुल दिनेश में? अब देखिए अब 4 तारीख को सामने आएगा। खोलेंगे नहीं? आप भी खोलेंगे कि नहीं? नहीं भाई, फंसा लग रहा है कि राहुल आगे हैं या दिनेश आगे, क्या देख? अभी तो बराबर पर चल रहा है, एक दिन बचा है अभी भी बराबर, वो तो है ही है। चलिए और कोशिश करते हैं लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है दादा कौन जीत रहा है, राहुल गांधी दिनेश प्रताप? भैया हमारे कानपुर में बीजेपी जीत रही है। कानपुर से? कानपुर से हैं। बीजेपी जीत रही है? जी बीजेपी जीत रही है कानपुर। बीजेपी यहाँ किसे जीतना चाहिए रायबरेली में? अरे हमारे हिसाब से बीजेपी जीतनी चाहिए। आपको क्या लगता है बीजेपी जीती? हम लोग बीजेपी नहीं, हम काम करते हैं, काम करते हैं। प्रधानमंत्री तो बनेगा मोदी। काम किसका, आप इतने दिन से आप काम कर रहे होंगे तो मोदी जी का काम अच्छा लगा कि राहुल गांधी का? हम लोग तो मोदी का बताएंगे, मोदी का। हम ज्यादा रहे नहीं में यार, चुनाव फंसा हुआ, लोगों से कोशिश कर रहे हैं बात करने की रायबरेली में। क्या लगता है राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह मामला कैसा देखते हैं? भैया हम यहाँ के हैं नहीं, तुम कहाँ हैं? आपको क्या लगता दादा? पापा हमारे नहीं बोलेंगे, काफी लोग हैं जो बोलते नहीं हैं, अपने मुद्दे नहीं। दादा क्या लग रहा चुनाव राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह में, कौन आगे कौन पीछे? राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह यहाँ रायबरेली से? रायबरेली दिनेश प्रताप सिंह जीती है। राहुल गांधी जीती? दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश प्रताप, दिनेश प्रताप सिंह जीते। बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, खेल कर देगी बीजेपी। हाँ राहुल गांधी हारेंगे। हाँ क्यों दादा, दादा सही बोल रहे, दिनेश प्रताप सिंह जीतेंगे। दिनेश प्रताप सिंह जीतेंगे, राहुल गांधी हारेंगे। राहुल गांधी हारेंगे, गढ़ छिन जाएगा ये भी आपकी बात? बिल्कुल ठीक है, रायबरेली भी जाएगा। हाँ मामला कैसे फंसा रायबरेली का? अरे क्या है, एक इलेक्शन आया तो यहाँ आए नहीं, कहाँ दिखाई पड़ेंगे? दिखाई नहीं पड़ेंगे। हाँ वो बंदा आते नहीं, लापता हो जाते हैं। और क्या है, चलिए लोगों से बात कर रहे हैं। दादा आपको क्या लगता है राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह किसको सांसद बनाएंगे? देखो भैया हमारे ख्याल से तो यहाँ पंजा ज़्यादा दूर है, पंजा ज़्यादा राहुल गांधी। हाँ दिनेश थोड़े कमजोर है, खिल नहीं रहा अभी, नहीं खिल रहा है, लेकिन ये कहो रात भर में इलेक्शन पलट भी जाए, पलट भी जाए, भी जाए मामला, ये भी और नहीं क्या? सही कह रहे दादा, एक दिन में माहौल बनता है और बिगड़ता है, और कोशिश करते हैं लोगों से बात करने के लिए। मैडम क्या लगता है चुनाव के बारे में कुछ बोलेंगे, राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह कौन जीत रहा है? तो गठबंधन, इंडिया गठबंधन का क्या लग रहा है? ये हम का बता, आप बताए राहुल गांधी और दिनेश? हम तो बीजेपी को देंगे भाई, दिनेश प्रताप सिंह जी। हाँ हम उन्हीं की तरफ से हैं, हमारे उन्हीं के साथ हैं। जीतेंगे दिनेश, राहुल गांधी हारेंगे? नहीं हारेंगे तो नहीं, ये नहीं कह सकते हैं, मतलब यह है कि हम दिनेश प्रताप साहब के हरदम है तो हरदम रहेंगे। आप भी दिनेश प्रताप सिंह? भैया माँ वोटे नहीं आ रहे, नहीं बना आपका। चलिए और कुछ लोगों से कोशिश करते हैं बात करने की, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि भैया क्या लग रहा रायबरेली में कौन जीत रहा, दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी? भैया हम दुकान पे हैं, अंकल से बात कीजिए। क्या लग रहा दादा राहुल गांधी दिनेश प्रताप? भैया इसके विषय में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, कौन आगे कौन पीछे, बराबरी टक्कर? नहीं आगे पीछे का भी कोई समझ में नहीं आया, वो तो कल पता चलेगा। खुला नहीं कुछ भी, अभी कुछ नहीं, ऐसा लगता है सब। चलिए कोशिश कर रहे हैं लोगों से बात करने की, कैमरामैन भी मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। करीब हम लोग 500 से 600 मीटर पैदल चल चुके हैं, गलियों में घूम रहे हैं, कपड़े दुकान पे घूम रहे हैं, सूज की दुकान पे घूम रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, ऑटो रिक्शा वालों से पूछ रहे हैं कि रायबरेली में चुनाव कौन जीत रहा है। दादा कौन जीत रहा है रायबरेली में, राहुल गांधी या दिनेश प्रताप सिंह? अरे राहुल की ज्यादा, राहुल की ज्यादा चाल जी, दिनेश प्रताप सिंह हार रहे हैं? नहीं हार की तो बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन राहुल के चांस ज्यादा है। और कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की, दादा क्या लगता है राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह कौन जीतेगा? भैया हमको इसका आंकड़ा नहीं है, फंसा है मामला अभी भी, फंसा है या लगता है राहुल आगे या दिनेश आगे? मामला फंसा अभी, क्लियर नहीं, कोई क्लियर नहीं, हाँ क्लियर नहीं बोले। दादा आप बोलेंगे कुछ राहुल आगे या दिनेश आगे चुनाव में अगर देखते हैं रायबरेली? भैया मैं यहाँ का हूँ नहीं यार, लोकल लोकल है, लोकल के नहीं है, नहीं यहाँ का नहीं। आप बोलेंगे कुछ यहाँ के? आप भी नहीं है, दिनेश कहाँ के? दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से भाजपा के प्रत्याशी।
वाले तो भाई हम तो जीते तो भाजपा ही देते हैं, भाजपा को ही देते। चलिए एक रिक्शा है उससे बात करते क्या लगता है उनको, क्या लग रहा है दादा राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह कौन जीते? हम लोग भैया राहुल को देंगे और राहुल को देंगे जी, दिनेश हारेंगे, दिनेश हारे वो गारंटी काम नहीं करेगी, नहीं करेगी। आपको क्या लगता है दादा कौन जीतेगा राहुल या दिनेश? राहुल भैया राहुल जीतेंगे, दिनेश हारेंगे। भाजपा तो कहती मोदी नहीं, गारंटी कोई नहीं, कांग्रेस यहाँ चले जीते। दादा आपको क्या लगता है दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी कौन? राहुल गांधी, राहुल गांधी जीतेंगे, दिनेश प्रताप सिंह। अरे मैडम बोलेंगी आप राहुल गांधी दिनेश नहीं बोलेंगे? चलिए और कुछ लोग कोशिश करते हैं बात करने की। दादा चुनाव में कौन जीत रहा राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह, किसका माहौल बना? भैया हम तो यही चाहिए थे कि थोड़ा बदलाव हो जाए, बदलाव हो जाए, राहुल गांधी कमल का पंजा, सॉरी पंजा हाथ का पंजा जीतना चाहिए राहुल गांधी। कमल मुरझा रहा है कि खिल्ला है? नहीं कमल तो मुरझा जाए, कहे से कि पानी उका गलत है ना, इंस्पेक्शन बहुत है भैया, गारंटी नहीं। अरे कहे कहे गारंटी, रोजगार है नहीं ना तो क्या करियो भैया, रोजगार नहीं और का पूरे देश का हाईजैक कर ले उका कम है का। आपको क्या लगता है दादा चुनाव में राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह? मोदी हम यहाँ के हैं ही नहीं, मुल्लीवासी क्या बताएंगे। दादा क्या लगता है चुनाव में राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह? पता नहीं भैया, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या लग रहा राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह में कौन जीत? राहुल गांधी, राहुल गांधी, दिनेश प्रताप सिंह नहीं, नहीं खिल्ला है, नहीं, नहीं। आपको क्या लगता है दिनेश प्रताप सिंह राहुल नहीं नहीं जीती है? राहुल नहीं जीते, राहुल जीते, राहुल जीते, कमल नहीं खिला, कमल नहीं, मोदी गारंटी, मोदी की गारंटी, गारंटी तो झूठी है, मोदी गारंटी झूठी है, साफ झूठी है, नहीं काम कर रही, नहीं काम, गांधी प्रधानमंत्री कौन बनेगा है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो वही बने राहुल गांधी। ये पूरी सीट कहाँ ले पाई है आपकी? प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे आपकी, प्रधानमंत्री मोदी बनी है, मगर रायबली और अमेठी की सीट कांग्रेस ले जाएगा, राहुल जीतेंगे। आपको क्या लगता है राहुल जीतेंगे? रायबरेली में अमेठी और रायबरेली जीतेंगे, जीतेगी कांग्रेस, यस भाजपा आ रही, मोदी गारंटी नहीं, मोदी गारंटी, वो व्यक्तिगत उनका अच्छा है काम जो भी है, बेरोजगारी, आप लोग बोलेंगे दादा कुछ चुनाव में राहुल गांधी आगे दिनेश प्रताप सिंह? यहाँ से राहुल गांधी जीतेंगे, देश में मोदी बनेंगे, मोदी आएंगे लेकिन यहाँ से राहुल गांधी। आपको भी यही लगता है कि आप कुछ बताएंगे? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, नहीं बोलेंगे, काम अच्छा हो रहा है, काम सब ठीक ही ठाक हो रहा है। तो रायबरेली में हमारी मौजूदगी थी, लोगों से पूछ रहे थे राहुल गांधी आ गए हैं, दिनेश प्रताप सिंह आ गए हैं, कल हम पहुंचेंगे अमेठी, वहां की जनता से पूछेंगे अमेठी में कौन जीत रहा है, कमल खिलेगा कि अब की बार वहां भी कांग्रेस बाजी मार ले जाएगी, तो कल चलेंगे अमेठी। आज के लिए मेरे साथ और मोहित मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए डी भारत न्यूज़ और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन मोहित के साथ सौरभ सप्ताह, डी भारत न्यूज़ रायबरेली।